चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं, जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी जो देश के लिए काला दौर था, जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया, सर जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not accepted. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jayaji. And I remember when Jayaji. I went to school. Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. Sir, आपने अपनी बात यहाँ रखी है, ये बात आपकी नहीं सर, सदन की है, और नेता सदन माननीय शिवराज जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस सदन के सीनियर मोस्ट सदस्य श्री देव गौड़ा जी के बात से मैं अपने आप को शामिल करता हूं। सर, सीनियर मेंबर ने जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया, सर जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। वी मे बी ऑल कॉलीग्स एंड इवन फ्रेंड्स आउटसाइड दिस हाउस, बट इट गोज अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ द हाउस to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं, जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज़ इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूँ कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है, बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएँ, इसके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए।